आगरा में थाना न्यू आगरा पुलिस ने शुक्रवार को कोल्ड स्टोरेज मालिक विनोद अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप है कि वो जेल में बंद बिल्डर शैलेंद्र अग्रवाल के गृह में है। उसके खिलाफ एक महिला ने केस दर्ज कराया था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस फंसती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जिस महिला ने केस दर्ज कराया था उसने अपना बयान बदल लिया है। उसका कहना है कि शैलेंद्र के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में विनोद अग्रवाल की भूमिका नहीं है। हम लोग पर ये तो इस्तीफा दें राजनीति से, या फिर चूड़ियां पहन करके आपके सामने में और क्या करें, मेरे पास तो कोई विकल्प है नहीं। और तीसरा विकल्प यह है कि हम कल पूरा आगरा बंद करेंगे आपके खिलाफ। ऐसे में विनोद के परिजनों ने SSP को प्रार्थना पत्र दिया। शनिवार को इस मामले ने तूल पकड़ लिया और आगरा के BJP सांसद और SC आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया समेत कई लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इस पर SSP ने मामले की विवेचना करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया है। बता दें कि कमला नगर थाना न्यू अशोक नगर के रहने वाले विनोद अग्रवाल का इंडिया कोल्ड स्टोरेज है। कुछ महीने पहले विजयनगर की रहने वाली दीप्ति अग्रवाल ने जेल में बंद बिल्डर शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था और उसी में विनोद अग्रवाल का नाम भी बताया जा रहा था। आशीष शर्मा, अमर उजाला TV, आगरा।